तो कैसे हो आप लोग भाई होप यार आप लोग अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोग को पेटीएम का रेफर वाला बताने वाला हूँ रेफर वाला क्या बताने वाला हूँ देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कुछ भाई लोग हैं जिन्होंने थंबनेल पे क्लिक किया है तो मैं दो चीज़ों के बारे में पहले बता देता हूँ सबसे पहली बात यह कि मैं आइसलैंड का कहीं से कहीं तक यूज नहीं करने वाला हूँ फिर से सुन लो आइसलैंड का कहीं से कहीं तक कोई यूज नहीं होने वाला है और सेकेंड जो है आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रहा है हर जगह पे उसके बारे में बात करूँगा मेरा काम ये नहीं है कि बस मैं बोल के चला गया दिखा के चला गया तुम कर लेना तुम जानो ऐसा कुछ नहीं है पहले मैं बात करूंगा भाई क्योंकि प्रॉब्लम आ रहा है वो तुम्हें पता और मुझे पता है जो कर रहा है भाई वो कर ही रहा वो मेरा वीडियो नहीं देख रहा प्रॉब्लम आ रहा लोग ये वीडियो देख रहे है जिन्हें सुन लो सोल्यूशन भाई ने वीडियो लेट डाला है पर सारी चीज देखने के बाद बता रहा हूं मैं। और ये दो तीन दिन मैंने इसी में काम करा है इसलिए मैं बता रहा हूं लेट आ गया तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा तुम्हारा भाई ने इतना मेहनत किया है ठीक है तो वीडियो को पहले लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना देखो सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारा भाई पूरा रिसर्च करता है और एक चीज अच्छे से बताता है

मैं नंबर रेफर बाईपास के लिए ढूंढ रहा था उस पर पहले से ही अकाउंट था पेटीएम का बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी भाई और पे नहीं है भाई। तो ये जो आप लोग सोच कि वहाँ से देख लो तो मैं आप लोगों को बता वो गलत दिखाता है दिखा जिसपे मैंने रेफर बाईपास कर लिया ना उसका पैसा भी मैंने ले लिया वो भी इन्वाइट में शो कर रहा है एप्लीकेशन कट करके क्लियर डेटा करके इंस्टॉल करके सब चीज मैंने करके देख लिया जब भी मेरे को वैसे शो कर रहा है यहां तक कि पेमेंट करने जाता हूँ वहाँ पर भी नंबर डाल के मैंने कर लिया भाई वहाँ से भी ऐसा नहीं दिखा रहा कि भाई इस पर वॉलेट है सब पे इन्वाइट का ऑप्शन भेज रहा है कुछ गिने चुने नंबर है जिन पर नहीं भेजता है पर उनपे भी अकाउंट निकल रहा है तो देखो मैंने तो क्या करा मैं आप लोगों को बताता हूँ जो मैंने पर्सनल किया जो मेरे घर में छोटे छोटे फोन पड़े थे और जिस पर मैंने नया सिम लिया तो भाई उसी पर मैं ट्राई कर पाया हूँ पुराने सिम पर कोई भरोसा मत करना देखो जिनके पास नया सिम है वही इसके ऊपर आगे बढ़ना काम करने को ये मत सोचना अरे भाई मेरे पास चार महीना पुराना सिम है पाँच महीने पहले भाई तुम्हें अगर पता है ना अच्छे से कि हां अकाउंट नहीं है तो भाई नहीं है तो ही मेरा भाई काम करना नहीं तो फिर तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा तुम्हारा ही टाइम खराब होगा मेरा कुछ नहीं है मैंने अपने पास से तुम्हें देखो क्लियर करके बता रहा हूं कि काम जब ही करना जब तुम्हें ये सारी बातें क्लियर हो देखो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि नंबर इस तरीके से निकालना है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि उस पर अकाउंट है ही नहीं अब उसके बाद भी हो गया गलती से हो गया तो वही मुझे मत कहना मैंने यहाँ पर बता दिया अब दूसरा कॉन्सेप्ट सुन लो भाई क्या है देखो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दू कोई भी आइसलैंड वगैरह नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे भाई का काम होता है सिंपल वाला पर उसके लिए भी आप

उसके बाद आप लोग करने क्या है इसका मैं वर्जन चेक कराता हूँ ये जो आप लोगों को वर्जन दिख रहा है कहीं से भी आपको गूगल पूगल से डाउनलोड करने का जरूरत तो नहीं है भाई मेरे ये आपको प्ले स्टोर में मिलेगा यही वर्जन का ठीक है ये वर्जन देख लो मेरे भाई अगर पेटीएम में ये वर्जन चल रहा तो कॉन्ग्रेचुलेसन आप अभी इसका वर्क कर सकते हो रेफर वाला काम अपना कर सकते हो और ये वर्जन नहीं दिखा रहा मेरे भाई तो सॉरी ऑफर एक्सपायर हो गया चैनल को सब्सक्राइब करो बेल ऑल ऑप्शन को ऑल पे क्लिक करो तो बाकी उसको छोड़ो भाई अभी हम बात कर लेते हैं काम के तो देखो यहाँ पर रेफर का ऑप्शन दिखेगा एक बोला गया है यहाँ पे देख लो एक लिखा हुआ तो यहाँ पे आप लोगों बता दो रेफर कोड का यहाँ पे मोर ऑप्शन होगा मोर ऑप्शन नीचे देखो ऊपर होगा देखोगे तो शेयर रेफर कोड होगा मोबाइल नंबर कोड है न, पे आपका खुद यहाँ पे करा, आप लोग एडिट भी कर सकते हो और हो सके आपका वहां पर मोबाइल नंबर होगा तो आप मोबाइल नंबर ही रखना मैंने थोड़ा ऐसा बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए आप लोग अपना मोबाइल नंबर ही रखना नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता बाद में आपको रेफर कर रहा हो पैसा कहीं और चला गया इसलिए अपना मोबाइल नंबर

बना लेना यहां पे बना लेना अपना कोई भी जीमेल डाल देना बनाया हुआ भी उसके बाद सबसे पहले आप आपको है ना जो भी आपके फ़ोन में नंबर है जिस पर आपका फ़ोन पे गूगल पे चालू हो जिससे आप पेमेंट कर सको वो वाला आपको सबसे पहले यहाँ पे चालू कर लेना जैसे मैंने अपना आप फोन पे डाउनलोड किया था लॉगिन इन कर लेता उसके बाद जो है ना अपना बैंक वगैरह ऐड करके ऐसा बना लेना कि इससे पेमेंट कर सको अभी देखो मैंने अपना फोन पे लॉग इन करा था उसके बाद देखो बैंक का जो ऑप्शन है वहाँ पर गया मैं उसके बाद अपना बैंक को एक्टिव किया था क्योंकि चालू भी करना पड़ता वो यहाँ पर तो ध्यान रखना जब भी काम करना देखो मैं यहाँ पे कैसे कैसे फोनपे को चालू कर रहा हूँ वो देख लो पहले मैंने लॉग इन किया था फिर अपने बैंक पर क्लिक करा उस उसके बाद आपको जब तक ये करना जैसे आप कोई भी गूगल पे कर रहे हो या फोन पे कर रहे हो जब तक आपको पिन डालने का ऑप्शन नहीं आ जाए जैसे मुझे यहां पिन डालने का ऑप्शन है असली पिन मत डालना फेक पिन डालना अपना कुछ रियल तो वाला मत डालना फेक डालना ताकि आपको दिख जाए कि हाँ भाई पेमेंट हो सकता है बस इतना आपको कर लेना है यहां पर जान बुझ फेक डाला था ताकि आप लोग भी रियल वियल ना डाल दो फेक पिन डालना आपको असली नहीं डालना असली कब डालना मैं आपको बताऊंगा तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखो फोन पे डाउनलोड कर लिया उसके बाद आप लोग यहाँ पे पेटीएम ऐप डाउनलोड करना डैन मतलब यहाँ पे जो मैं आप लोगों को डाउनलोडिंग करा रहा हूँ ना इसमें कोई एम भी खर्च नहीं होता क्योंकि आप फर्स्ट स्पेस में जो आपका पहला फोन है उसके अंदर है मेरे भाई इसलिए आपको तुरंत डाउनलोड हो जाएगा एक सेकंड के अंदर ये तो मेरा भी देखो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे पेटीएम ऐप और यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा निकालना बस यहाँ पे अब आपको जरूरत है नंबरों की जो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने खुद जैसा करा है ठीक है मैंने बोला आपको कि छोटे फोन से नंबर लेना है जैसे मैं खुद भाई एक छोटे फोन से ले रहा था नंबर ये देख लो ये रोज कितना तो छोटा सा फोन है देख लो इसमें से मैंने नंबर लिया क्योंकि मैंने दो चार महीने पहले ये नंबर लिया था और मेरे को पता भाई इस पर अकाउंट नहीं है इसलिए मैं इस पर इतने श्योर तरीके से कन्फर्म था मेरे को कि नहीं है इसलिए मैं बना पाया आप देखो इसमें आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि जो कुछ कुछ नंबर पर जब आप अकाउंट बनने जाओगे ना तो यहाँ पर इस तरीके से ओ का ऑप्शन नहीं आएगा और देखो मेरे छोटे फोन में ओ आ गया मैं मैं डाल देता हूँ कुछ फोनों में अगर आप लोग ये ट्रिक लगाने

मैं लिख रहा हूं आप लोग सेम टू सेम लिख सकते हो बस रेफर सर्च करना उसके बाद आप लोगों को अपना रेफर कोड भाई याद ही रखना मेरा मत चिपका देना ना मैं कह रहा हूँ कहीं से कहीं तक चिपकाना मेरा भाई फ़ायदा नहीं है मेरा काम है फायदा करवाने का ठीक है तो देख लो यहाँ पे ऑनलाइन भाई मैंने लिख दिया जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में रेफर कोड दिखाया था याद होगा अच्छे से भाई तीन बार चिल्ला के बोला था मैं रेफर कोड बोला था मैंने तो देखो यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ सबमिट करने देखो सक्सेस बता रहा है अभी पैसा नहीं मिला है रुक जाओ अभी ठीक है बैक करना है आपको अभी सक्सेस हो गया तो ये मत सुना कि पैसा मिल गया पैसे के लिए आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा बैंक ऐड नहीं करना मेरे भाई रुक जाओ अभी दो मिनट देखो तो ये यहाँ पर आपको गूगल सर्च करना वहीं पर पर हमने रेफर सर्च किया था वहीं पर आपको गूगल रखना है फिर पर गूगल प्ले का यहाँ पर आपको एक कोड खरीदना ठीक दस रुपए का देखो तो यहाँ पर दस रुपए डाल देना तीस रुपए मैनुअली डाल जाता आप खुद से भी डाल सकते हो दस रुपए उसके बाद यहाँ पर बाय पे क्लिक कर देना जैसे आप लोग खरीदने जाओगे तो तुम्हारे भाई ने काम करवाया था यहां सबसे नीचे आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा ठीक है यूपीआई का ऑप्शन देख लो यूपीआई का ऑप्शन होगा उसमें आपको फ़ोन पे दिख जाएगा क्योंकि ये आपके फ़ोन में मैंने इंस्टॉल करवाया था तो अभी इंस्टॉल करवाया था ठीक है तो इससे आप लोगों को पेमेंट कर देना है बैंक वैक सब कुछ चालू करवा दिया था मैंने यहाँ पे आप लोगों का इसी मारे देखो यहाँ पे मेरे दोनों बैंक आ रहे हैं मैं किसी से भी पेमेंट कर सकता हूँ आप लोगों को नहीं आता तो यहीं पर बैंक का ऑप्शन होगा एड वगैरह कर लेना क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बार प्रॉब्लम आया था तीन दिन लगे भाई तुम्हारे भाई को ऐसे इन दिन खराब करें मैंने तो इसलिए मैं बता रहा हूँ देखो यहाँ पेमेंट हो गया बैक वगैरह कुछ मत करना या ऑटोमेटिक आपको पेटीएम में लेकर जाएगा ठीक है जैसे यहाँ पे आपका ये ऑर्डर सक्सेस होगा ना मैं आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ ये कोड देख लो भाई मुझे पता नहीं मैंने यूज़ किया भी नहीं किया क्योंकि भाई पागल हो रहा था वीडियो बनाने के लिए पर अभी देख लो यहाँ पे अब देखो मैंने यहाँ पर कोड खरीद लिया कोड खरीदने का देखो मेरा फ़ोन जो है भाई बदला तो नहीं है एक ही फ़ोन है बस उस फोन के अंदर एक दूसरा फोन बनाया और कुछ डाउनलोड नहीं करा उसके अंदर मैंने अब मैं आप लोग को एक बार टाइम चेक कराना चाहता हूँ देखो ये सारा प्रोसेस आप लोगों के सामने किया कहीं से कहीं तक स्क्रीन मेरा छुपा नहीं है पर मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि मैं अपना टाइम दिखाऊँ ठीक है आप लोग एक बार ऊपर से देख लो टाइम मेरा देख लो कितना दस बज के आठ मिनट हो रहा है ठीक है दस बज के आठ मिनट हो रहा है छब्बीस तारीख है तुम्हारा भाई एक दिन डिले करके डाल रहा ठीक है देख लो यहां पर आप लोगों के सामने टाइम डेट एक बार मैच कर लो क्योंकि भाई जिन्हें दिक्कत है प्रॉब्लम भाई उनके लिए तो यही डालना पड़ेगा मेरे को क्या ही कर सकता हूं अब देखो ये मेरा वही फोन है कोई मैं फोन नहीं बदल रहा हूं भाई वही फोन है बस वो वाले फोन का मेरा पासवर्ड बना रखा तो उस फोन का पासवर्ड डाल देता हूँ मैं तो यहां पर पासवर्ड डाल देख लो फोन वही है बस उस फोन के अंदर दूसरा फोन बना दिया देखो यहां पर मैंने आइसलैंड का यूज नहीं किया है बाकी जिनको यूज करना आता उनको मना भी तो नहीं कर सकता ना भाई भाई तुम कर लो तुम्हें आता है पर भाई मेरा फोन नहीं सपोर्ट करता सीधी बात है मैंने वीडियो में नहीं बोला। करना था, वो कर सकते हूं ऐप में और वहीं पर खुला ऑनलाइन भाई लिखा भी हुआ और यही कोड मैंने चिपकाया था अभी सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ ठीक है जो यहाँ पे कैशबैक दिखाया जाता है मैं मेन बुलेट भी दिखा सकता था बस कर रहा हूँ ना भाई भाग थोड़ी जा रहा हूँ वीडियो खत्म दौड़ी अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो मेरा रेफर हो गया तारीख है शायद पर टाइम नहीं दिख रहा होगा तो मैं टाइम दिखाऊंगा देखते रहो ठीक है है रेफर 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 हो गया गया कंप्लीट तो लिखा दिख आया ना बस इतना कन्फर्म हो गया अब प्रूफ ले लो कि भाई वही रेफर है नी तो यहाँ मैं अपना वॉलेट ओपन कर लेता हूं ओपन करने के बाद देख लो यहाँ पे मेरे को कुछ पैसा पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी देखो वो पैसा वॉलेट में मेरा ऐड कर दिया गया अब देखो ऊपर टाइम देख लो दस दस हो रहा है और नीचे तो मैं भाई पॉज करना है वीडियो को वीडियो को रोक लो मेरा भाई ठीक है वो रोक के वीडियो को जूम करके ऊपर जो इक्यावन लिखा ना एक सौ इक्यावन उसी के नीचे देखो टाइम डेट लिखा है मेरा भाई वो मैच करके आप लोग देख सकते हो ठीक है पैसा मेरे को यहाँ पे मिल चुका है और मैंने देखो कोई आइसलैंड का यूज़ नहीं किया कोई तगड़ा कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कराया सारे फोन में जो है आपके पहले से ही एप्लीकेशन था फोन पे भी आपके फोन में पहले से होगा पेटीएम भी आपके फ़ोन में होगा कुछ ऐसा तगड़ा एप्लीकेशन नहीं दिया ना कोई वैसा होता देखो सारा सिंपल चीज़ों में बताया मैंने अब जिन्होंने ध्यान से देखा होगा वीडियो भाई उनके लिए सिंपल

बोला जाएगा कि भाई आपने जो ये सिम का नंबर डाला है ना ये सिम आपके फोन में ही होना चाहिए ठीक है जब न्यू अकाउंट जिस नंबर पर आपको बनाना है उसके बारे में बोलेगा तो मेरे भाई अगर आपसे कहता है इसी फोन में डालो जो नया अकाउंट बनाओगे तो मेरे भाई उसके जगह आपको कोई और ही नंबर चाहिए क्योंकि देखो वो नंबर का गिलिच है क्या है मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने देखो जिस फोन में आप लोगों को करके मैंने दिखाया ना अभी उसमें भी यही प्रॉब्लम आया था तो मैं सोच रहा था भाई यार ये पेटीएम में क्या ड्रामे हो गए हैं तो मैंने जब दूसरा नंबर डाला भाई हो गया तो आप लोग भी उस समय पर करना चाहो अपनी तसली के लिए मैं तो आपको बता रहा हूं अपनी तसलने के लिए कोई फेक नंबर डाल देना वहां पे तो आपको देखना ओटीपी सेंड हो जाएगा तो इसलिए कह रहा कोई कोई दूसरा नंबर डालना वहाँ पे सेकंड क्या होता है कि देखो Paytium में भी कोई गिलीच आ जाता जा जा तो आप जब कोड खरीदने जाओगे ना गूगल का तो जो आपका ऑप्शन है वो प्रेस करोगे तो आपका शायद रिडायरेक्ट नहीं करे पेमेंट वाले पेज पर पे। तो उसके लिए आप क्या करना कि अपना जो पेटीएम है जो मेन पेटीएम है हमारा फर्स्ट स्पेस में उसको अनस्टॉल कर देना और क्लियर और क्या करते हो एडवर्टाइजमेंट आईडी को रिसेट कर देना उसके बाद जब आप पेमेंट करोगे तो आपको हो जाएगा क्योंकि देखो मेरे को भी ऐसा प्रॉब्लम आया था तो मैंने दूसरे फोन में है ना खरीद के देखा था तो उसमें बाय और

लगे और आपके कमेंट से किसी बंदे का भला हो जाए जिसको कंफ्यूजन हो रहे तो भाई ऐसे करो फालतू के मत करो क्योंकि तुम्हारे भाई का काम होता है समझाना अर्निंग और कराना इतने भी देर बोल रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कर देना तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो